दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि सोशल मीडिया पर अभी सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है ये तस्वीर। सोशल मीडिया पर एक अल्ट्रासाउंड का फोटो जमकर वायरल हो रहा है। इस फोटो में एक सांप की आकृति नजर आ रही है जिसे लोग किंग कोबरा के नाम से जानते हैं। क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, हम आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस अल्ट्रासाउंड का फोटो वायरल हो रहा है जिसमें किसी महिला के गर्भ के अंदर एक सांप जैसी आकृति नजर आ रही है। जो भी इस फोटो को सोशल मीडिया मंच पर देख रहा है वह कहते सुना जा रहा है कि एक गर्भ के अंदर कोबरा सांप नजर आ रहा है। एक माँ बेटे की कहानी बताया जा रहा है कि किंग कोबरा यानी कि एक खतरनाक सांप को जन्म देने वाली एक महिला जो बिहार की रहने वाली है, इसी महिला के गर्भ के अंदर एक सांप पल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग अल्ट्रासाउंड में देख रहे हैं एक साफ साफ नाग नजर आ रहा है यानी कि कोबरा सांप, जो लोग उसे नाग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इस महिला को हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर दोस्तों यह सांप को बाहर निकाला गया। जी हाँ दोस्तों, इस सांप का वजन लगभग 6 किलो है, इसलिए दोस्तों इस औरत का ऑपरेशन करके इस सांप को बाहर निकाल लिया गया है और सांप को कांच में रखा गया है। जब से औरत ने यह बात को सुना है कि मैंने एक सांप को जन्म दिया, जब से औरत रो रो कर अपना बेहाल कर ली है। कोई भी औरत के लिए यह बहुत ही दुखद की बात होती है जब उसके साथ ऐसी कोई घटना हो जाए। जो आप लोग यह तस्वीर देख रहे हो यही तस्वीर रियल है, यही वह सांप है जो औरत ने जन्म दिया है। दोस्तों दरअसल बात यह है कि अल्ट्रासाउंड की फोटो जो आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो फोटो को अलीगढ़ और एटा जनपद से जोड़कर वायरल कर रहे हैं। लेकिन लोग अलीगढ़ और एटा के बाद लोग इसे गोरखपुर का किस्सा बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों अगर आप भी फेक न्यूज का शिकार हुए हैं तो इस वीडियो को अपने फैमिली या ग्रुप व्हाट्सएप जहां पर हो सके शेयर कर दो, ताकि आप फेक न्यूज से बचा सके अपने दोस्त और अपने फैमिली वालों को। दोस्तों ये जो आप लोग अल्ट्रासाउंड का फोटो देख रहे हो दोस्तों, यह फोटो एडिटेड है और यह न्यूज पूरा फेक है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जो कि सोशल मीडिया पर यह फोटो जमकर वायरल हो रहा है लेकिन यह फोटो एडिट कर इसे वायरल किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों आप लोग ऐसे फेक न्यूज़ से बचकर रहिए। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।